नमस्कार। म्यांमार आर्मी ने पहली बार इंडिया के रिक्वेस्ट में 22 नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को इंडिया को हैंडओवर किया है और ये सब कुछ सक्सेस हुआ है हमारे एनएसए चीफ अजीत डोवाल के कारण। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और वीर चरित से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रांसफर ऑफ टेररिस्ट हुआ है इंडिया को, ये दिखाता है डीपनिंग टाइम्स बिटवीन इंडिया और म्यांमार। म्यांमार एक सेफ हेवन माना जाता था नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के लिए, लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ है ये उनके मोराल को तोड़ेगा और हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। जो ट्रांसफर हुआ है वो आज दोपहर ही वहाँ से प्लेन टेक ऑफ हुई थी और उसके बाद मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में। दोस्तों, ये जो ट्रांसफर हुआ है इंसर्जेंट्स का, 22 में से 12 मणिपुर के हैं और 10 असम के। अब पहले मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में उन्हें उतारा गया और बाकी जो बचे हैं उसे गुवाहाटी असम में। अब कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण उन्हें क्वारंटाइन पे रखा गया है और इंडिया के चीफ सिक्योरिटी प्लानर्स की माने तो ये सारा कुछ सक्सेस हुआ है हमारे एनएसए चीफ अजीत डोवाल के कारण। और अजीत डोवाल ने एक ही नहीं, बहुत से सक्सेस लाए हैं हमारे इंडियन सिक्योरिटी के लिए और वो एक इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है उनका इंडियन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ और हमारे फोर्सेस की मोराल को बूस्ट करने में। ये हिंदुस्तान टाइम्स के एक पिक को आप देख सकते हैं। यहाँ पे चार उनमें से जो चीफ है उनके पिक्स है। लेफ्ट टॉप से आप अगर देखेंगे तो कैप्टन सना टोम्बा निकथौजम, ये मणिपुर के हैं UNLF ग्रुप से। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट पाशुराम लाइशराम ऑफ प्रीपक प्रो। उसके बाद राजेन दोयमारी, जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है NDFPS ग्रुप के, राजेन दोयमारी, और ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड होम सेक्रेटरी है उस ग्रुप के। और उसके बाद फिर कैप्टन सनसुमा बसुमतारी, ये भी NDFPS ग्रुप के मेंबर है। अब यहाँ जैसे मैंने बताया था, 22 में से 12 मणिपुर के हैं और उसके बाद फिर 10 जो हैं असम के ग्रुप, जैसे कि NDFPS और KLO के। NDFBS न्यूज़ में अक्सर रहता है क्योंकि ये इसकी इंसर्जेंट एक्टिविटीज और आर्मी को हार्म पहुंचाने की एक्टिविटीज काफ़ी एक्टिव रहती है। और बाकी जो ग्रुप है मणिपुर के वो है UNLF, प्रीपेक प्रो, KYKL एंड PLA। दोस्तों, ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको सेफ हेवन मिल जाता है म्यांमार में, क्योंकि जो 1600 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री लाइन है वहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है और इनके कैंप्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सुइटेबल प्लेस होता है। और NDFBS और KLO वहीं पे इस्टेब्लिश भी थे और वो वहीं से इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ जो होती है वो कंडक्ट करते हैं। अब ये आप मैप देख सकते हैं, यहाँ असम आता है यहाँ तक, उसके बाद फिर नागालैंड, मणिपुर, और ये जो रीज़न है ये फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे छुपने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और क्योंकि ये दूसरा कंट्री है तो इंडियन फोर्सेस यहाँ क्रॉस करके नहीं जा पाते और इनके लिए सेफ हेवन हो जाता है और यहाँ पे वे अपने कैंप्स को लगाते हैं, यहीं से वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने मिलिट्री प्लानिंग्स को। उसके बाद फिर वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इंसर्जेंसी फैलाते हैं और अटैक करते हैं, और ये अक्सर बच जाते हैं क्योंकि यहाँ अगर बॉर्डर तक हमारे फोर्सेस आ भी जाए तो ये और डीप चले जाते थे म्यांमार के बॉर्डर में। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सालों से म्यांमार को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के मेंबर हैं उन्हें वापस लौटा दे। बांग्लादेश ने भी बीच में लौटाया था लेकिन म्यांमार नहीं लौटाता था, लेकिन हमारे एनएसए चीफ अजीत डोवाल के कारण अभी ये वापस आए हैं और ये उनके मोराल को बहुत ज़्यादा तोड़ेगा जो हमारे मिलिटेंट्स ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मोराल बूस्टिंग मिलेगी। अब आप यहाँ पे एक मैप के थ्रू देख सकते हैं,
असम में केवल 6 सीजफायर गोरिल्ला ग्रुप्स है और डेजिग्नेटेड कैंप है 31, और इसमें 5000 मिलिटेंट्स है। वैसे ही 5000 मिलिटेंट्स नागालैंड में भी प्रेजेंट है, मणिपुर में 1800 और मेघालय में 156, और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इस समय आप कह सकते हैं NDFPS और नागालैंड का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब दोस्तों, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की न्यूज़ आती है हमारे मेजर न्यूज़ चैनल्स में, वो अक्सर जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारे फोर्सेस, हमारे जवान वहाँ पे बहुत ज़्यादा डट के मुकाबला करते हैं और वहाँ पे भी शहीद होते हैं, लेकिन वो इतना कवरेज नहीं मिलता। हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी उतना ही जानना चाहिए जितना हम कंट्री के अदर पार्ट्स के बारे में जानते हैं। और ये जो स्टेप है म्यांमार का, ये काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप या फिर टेररिस्ट ग्रुप आके दूसरे कंट्री में अगर छिप जाते हैं, दूसरे कंट्री को हार्म करके, तो वो उनके लिए भी एक ना दिन खतरा जरूर बनेंगे। काश पाकिस्तान भी इतना समझ जाता तो जो टेंशन्स है दोनों कंट्री के बीच वो बहुत ही कम हो जाता। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।